डैमेज देते हुए, और कुलदीप नॉकडाउन हो चुके हैं और यहाँ पे सीजी स्ट्राइक अकेले फंस चुके हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे किल सीजी स्ट्राइक की तरफ से, और बहुत ही अच्छा अगेन किल सीजी स्ट्राइक इज गिविंग अ लॉट ऑफ डैमेज। सीजी स्ट्राइक यहाँ पे नो स्कोप देने की कोशिश में, बट 8 किल्स ऑलरेडी टीम नंबर 8 की तरफ से, और काफी ज्यादा डैमेज सामने वाली टीम को, फिर से बस नॉकडाउन ही नॉकडाउन किए जा रहे हैं सामने वाले प्लेयर्स को। और टीम नंबर 6 में बचे जब बस 2 प्लेयर, और टीम नंबर 8 में 3 प्लेयर, और काफी ज्यादा डैमेज है। अनन अभी अकेले ही खेलने की कोशिश में, क्योंकि नितिन इज इन अ बैड पोजिशन, और बहुत ही अच्छी वॉल फिर एक बार, एंड नितिन इज गोना गो डाउन, एंड बुया गोज टू टीम नंबर 8। ओएमजी सीजी गेमर जोन सीजी स्ट्राइक एंड चोरी with a beautiful gameplay. बोलो कछु कही भाई, बोला देख ले वो कोई झगड़ा लड़ाई, बोला देख ले वो बाबू गाड़ी दी ही चुपचाप ले सुन ले वो पूरी मत नहीं। Beautiful Free Fire match, Six Arena Free Fire match powered by and organized by fanclash.in। मैं हूँ डॉक्टर, आपके लिए कास्ट करने वाला हूँ ये एक और नई मैच, नई उम्मीदों के साथ चालू करते हैं ये नई मैच। देखेंगे कि ये नए मैच में कौन खुद को प्रूव करेगा, कौन जीतेगा ये नई वाली मैच, कौन जीत सकता है वो 300 पॉइंट्स, और कौन यहाँ पे क्वालिफाई होगा सेकंड स्टेज के लिए। देखने के लिए आपको तो कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कामयाब, बहुत ही खूबसूरत मैच होने वाली है, बहुत ही बढ़िया मज़ा हमें ये मैच में आ सकता है। सारे टीम को अभी यहाँ पे नीचे में उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के एक अच्छी डिसेंट पोजीशन से लूट जमा करनी पड़ेगी, और फैक्ट्री की तरफ जाएंगी टीम 10, टीम 11 एज वेल एज टीम 9। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, 12 टीम्स अपने साथ में यहाँ पे खेलने वाली है। 12 टीम्स में से कौन वो टॉप 3 टीम्स रहेगी जो सामने जाके पहुँचेगी स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 2 के बाद जीतेगी वो 50,000 रुपये का प्राइस पूल। सो एक बार फटाफट आपको किल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फटाफट अपना पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर किल पॉइंट पे आपको मिलेंगे 20 किल पॉइंट, उसके बाद प्लेसमेंट पॉइंट कुछ इस तरह रहेंगे, पोजीशन नंबर 1 300, पोजीशन नंबर 2 200, और पोजीशन नंबर 3 170। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, क्योंकि पोजीशन नंबर 12 को मिलेगा 0, 11 को 10, 10 को 20, पोजीशन नंबर 9 को 30, एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सामने जाके इंक्रीज होने के बाद हम देखेंगे टॉप भी नॉट, देखेंगे दो प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 2, इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन हो चुकी होंगी, और बहुत ही गलत समय यहाँ पे टीम नंबर 5 के लिए, एंड एक बहुत ही बेहतरीन प्ले, एंड दैट इज अ गुड किल ऑन देम एज वेल। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टीम 5 काफ़ी बुरी पोजीशन में है, और यहाँ पे जाके एटलीस्ट दो प्लेयर को डाउन भी कर सकती थी टीम नंबर टू ने रश करना नहीं सोचा। आफ्ताब गेमिंग इज इन अ गुड पोजीशन, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डैमेज तो दे देंगे, बट दो प्लेयर ऑलरेडी वहाँ पे वेट करते हुए आफ्ताब गेमिंग काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव करते हुए, एंड फिर भी आफ्ताब गेमिंग वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। नाउ आफ्ताब गेमिंग इज ऑल अलोन, और आफ्ताब गेमिंग के ऊपर पुश आते हुए एक प्लेयर को डाउन करते हुए काफ़ी अच्छे शील्ड का इस्तेमाल, यहाँ से निकल जाएंगे, खुद को हील करेंगे, बट फाइनली आफ्ताब गेमिंग इज गोना गो डाउन। नाउ इट्स ऑल लेफ्ट ऑन सीएस सतीश एंड स्टैन ली टू प्रूव देमसेल्फ। सीएस सतीश और स्टैनली की तरफ देखेंगे, ये दोनों ही प्लेयर बचे अगेंस्ट टीम 2 कि जा पाएंगे अगली पोजीशन तक, क्या सर्वाइव कर पाएंगे नेक्स्ट राउंड तक क्या नहीं, और या फिर यही वे डाउन हो जाएंगे। मे बी टीम नंबर 9 के पास में, टीम नंबर 5 और 2 के बीच में अभी भी एक्सचेंज चल रहा है गोलियों का, और काफ़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग दोनों टीम की तरफ से, स्टैनली और डैमेज वो दे सकते हैं, बट दे वर ऑलरेडी। और यहाँ पे टीम नंबर 5 के ऊपर पुश करते हुए टीम नंबर 3 स्टैनली अकेले ही बचे यहाँ पे अपने टीम को बचाने के लिए, स्टैनली और सतीश, और एक पुश आते हुए टीम के ऊपर, बट फिर भी यहाँ पे स्टैनली ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया है, और एक प्लेयर को किल भी कर लिया है स्टैनली ने, और पुश अंदर आते हुए स्टैनली अपनी पोजीशन अबैंडन करते हुए सामने वाले प्लेयर्स को मारते हुए टीम नंबर 5 इज इन अ गुड पोजीशन, टीम नंबर 2 के दो प्लेयर को डाउन कर दिया। नाउ इट्स ऑल लेफ्ट ऑन 1v1 सिचुएशन, और काफी अच्छी शील्ड और स्टैनली का काफी अच्छा नेड फिर से, और दैट नेड इज गोना डू अ लॉट ऑफ डैमेज, बट पीछे से यश का काफी अच्छा फ्लैंक, यश ने डाउन कर दिया स्टैनली को, मोस्ट प्रोबेबली या फिर कैंप कर रहे होंगे, तो मानना पड़ेगा एक जगह पे इतने देर पे सर्वाइव छोड़ के किसी को किल पॉइंट्स लेने में इंटरेस्ट नहीं है, एंड सारे के सारे प्लेयर्स काफी अच्छी पोजीशन पे, बट दैट इज अ गुड प्ले देयर बाय टीम नंबर 8, एक प्लेयर को डाउन कर दिया, दो प्लेयर को डाउन कर दिया, एंड नाउ इट्स ऑल लेफ्ट ऑन टीम नंबर 9 स्टार क्या कहेंगे हम इनको, शील्ड देके खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, 1v3 क्लच में फंस चुके हैं, 1v3 बोलेंगे क्योंकि एक प्लेयर तो अभी तक मालूम नहीं है। नाउ इट्स ऑल लेफ्ट ऑन दिनेश जो अभी भी पीछे से कवर देने की कोशिश में, ज़्यादा डैमेज तो नहीं दे पाएंगे, बट फिर भी दिनेश इज नाउ लेफ्ट इन अ रियल 1v3 सिचुएशन। ओएमजी को स्पॉट कर लिया है, ओएमजी को मे भी डाउन कर देंगे,
और मे बी नॉट, यहाँ से बस सर्वाइव करने की कोशिश, यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, बट सीज स्ट्राइक इज ऑलरेडी यार दिनेश को स्पॉट कर लिया शायद तक सीज स्ट्राइक ने, और अगर सीज स्ट्राइक ने दिनेश को स्पॉट कर लिया होगा तो दिनेश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि पहले ही बहुत ही ज्यादा डैमेज वो रिसीव कर रहे हैं और दिनेश अभी सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं, बट सीज स्ट्राइक ने मे बी स्पॉट कर लिया है, मे बी नॉट, यहाँ पे कोशिश करेंगे खुद को रिवाइव करने की और रिवाइव भी हो जाएंगे और टीम नंबर 8 यहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाएंगी, मे बी और मे बी नॉट डैमेज खाएंगे नहीं खाएंगे मालूम नहीं टीम नंबर 8 यहाँ से निकलने की कोशिश में, बाजू में काफी ज्यादा प्रॉब्लम, 7 टीम्स अभी तक लाइफ है, सर्कल काफी ज्यादा छोटा है, आजू बाजू में बहुत ज्यादा प्लेयर है, टीम नंबर 3 की चार्ट में भी स्पॉटेड है, मे बी नॉट, दिनेश यहाँ पे फिर भी कुछ करने की कोशिश में नहीं है, टीम नंबर 7 काफी अच्छी पोजीशन में बट डैमेज खाते हुए, एसकेजी कुलदीप ने डाउन कर दिया इसको, एसकेजी कुलदीप इज डाउन फ्रॉम टीम नंबर 7 एंड पवन भी काफी ज्यादा डैमेज खाते हुए यहाँ पे बैठी अच्छी पोजीशन में, यहाँ से निकलने में भी अगर टीम नंबर 3 कामयाब हो चुकी, अगर टीम नंबर 3 यहाँ से निकल जाएंगी तो सर्कल काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, और नाउ बस 6 टीम बची है, 6 टीम एक ही सर्कल के ऊपर, टीम नंबर 11 का अच्छा पुश यहाँ पे टीम नंबर 3 के ऊपर, एंड दैट शील्ड्स आर गिविंग टू मच कवर फॉर ईच एंड एवरीवन, बहुत ही बेहतरीन न्यूज शील्ड का यहाँ से निकलने की कोशिश में, बट द सर्कल इज गिविंग अ लॉट ऑफ डैमेज यहाँ पे, सर्कल का भी टेंशन, सामने से प्लेयर का टेंशन, काफी ज्यादा प्रेशर सर के ऊपर, यहाँ से निकलने की कोशिश, जिग्नेश को डैमेज देंगे बट सामने प्लेयर, पीछे में प्लेयर, क्या करेंगे टीम नंबर 6 सामने में और टीम नंबर 7 राइट फ्लैंक में, डैमेज देने में तो कामयाब हो जाएंगे यहाँ से टीम नंबर 7 को, बट टीम नंबर 6 का भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, एज वेल एज टीम नंबर 11 भी यही पे है, सारे के सारे टीम एक ही सर्कल के अंदर, That is a big problem, क्योंकि सर्कल तो काफी छोटा है अभी और प्लेयर काफी ज्यादा, टीएम के गुंडा अकेले ही बचे यहाँ पे, फाइकल्स के साथ टीम नंबर 8, टीम नंबर सीजी काफी अच्छा है यहाँ पे, कवर ड्रॉप लेने की कोशिश करेंगे बट चैट वहाँ पे डैमेज देते हुए और कुलदीप नॉकडाउन हो चुके हैं और यहाँ पे सीजी स्ट्राइक अकेले फंस चुके हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे किल सीजी स्ट्राइक की तरफ से और बहुत ही अच्छा अगेन किल सीजी स्ट्राइक इज गिविंग अ लॉट ऑफ डैमेज, सीजी स्ट्राइक यहाँ पे नो स्कोप देने की कोशिश में बट 8 किल्स ऑलरेडी टीम नंबर 8 की तरफ से और काफी ज्यादा डैमेज सामने वाली टीम को, फिर से बस नॉकडाउन ही नॉकडाउन किए जा रहे हैं सामने वाले प्लेयर्स को और टीम नंबर 6 में बचे जब 2 प्लेयर और टीम नंबर 8 में 3 प्लेयर और काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे दोनों टीम की तरफ से, बट टीम नंबर 6 की पोजीशन काफी बुरी लगती हुई बट अनन इज इन अ गुड पोजीशन, बहुत ही ज्यादा डैमेज, ज्यादा प्लेयर को डाउन तो नहीं कर पाएंगे बट इट्स अ 3-on-2 सिचुएशन यहाँ पे और अनन यहाँ पे पुश करने की कोशिश में बट काफी अच्छा नेड अनन की तरफ से और दैट नेड इज गोना डू सम डैमेज और अनन अभी अकेले ही खेलने की कोशिश में क्योंकि नितिन इज इन अ बैड पोजीशन और बहुत ही अच्छी बॉल फिर एक बार एंड नितिन इज गोना गो डाउन एंड बुया गोज टू टीम नंबर 8 ओएमजी सीजी गेमर जोन सीजी स्ट्राइक एंड चोरी काफी बेहतरीन गेम प्ले 8 किल्स और 9 किल्स आई डोंट नो लेट्स सी इट 11 किल्स फॉर टीम नंबर 8 काफी बेहतरीन गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा प्ले सारे के सारे टीम के साथ टीम नंबर टीम टीई अगर हम देखेंगे तो उनके पास भी 9 किल्स है बहुत ही बढ़िया गेम प्ले और हम